हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू ए इलेक्ट्रॉनिक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक लो पास फिल्टर का सर्किट बताऊंगा, जिसको कि आप 4440 आईसी में या किसी भी आईसी के सर्किट में या पावर एम्पलीफायर में कहीं भी इसका आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही हाई क्वालिटी का लो पास फिल्टर है और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है फ्रेंड्स, वो 50 हर्ट्ज से 150 हर्ट्ज तक वेरी कर सकते हैं आप इन प्रीसेट के थ्रू। तो चलिए देर न करते हुए सर्किट को शुरू करते हैं। इसमें फ्रेंड्स दो ऑप्शन है। अगर आपके पास स्टूडियो है, इनपुट सिग्नल स्टूडियो है, लेफ्ट राइट चैनल है, तो या तो आप दोनों सिग्नल इसमें दे दें, लेफ्ट इसमें राइट इसमें। और अगर आप चाहते हैं कि अच्छी क्वालिटी मिले, स्टूडियो इफेक्ट मिले, तो ये इस तरह के आप दो सर्किट यूज़ करें, यानी कि लेफ्ट में एक और राइट में एक, यानी कि दो आईसी का आपको यूज़ करना पड़ेगा, यानी दो सर्किट इसके लिए चाहिए। और सिंगल यूज़ करना चाहें तो इस तरह आप 10K की रेजिस्टेंस ये लगी हुई है, लेफ्ट इसमें दे दें, राइट इसमें दे दें, तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक वॉल्यूम कंट्रोल लगा हुआ है, पोर्ट देख रहे हैं आप 47K का। यहाँ पर एक PF लगाएंगे 47N, और इसकी वैल्यू जो होगी माइक्रोफेरड में होगी वो है 0.0457 माइक्रोफेरड। एक ये 47N का PF लगाएंगे। इसमें फ्रेंड्स IC यूज़ हम कर रहे हैं 4558 यूज़ कर सकते हैं, TL072 यूज़ कर सकते हैं, तो 5532 में या 4558 में तीन नंबर नॉन इन्वर्टिंग पिन है, तो नॉन इन्वर्टिंग पिन में इनपुट देंगे हम 0.047 का एक PF लगाएंगे। और एक ये फीडबैक, इसमें एक नंबर पिन, एक OPM की एक नंबर पिन आउट होती है, यहाँ से हम 150K का फीडबैक यहाँ देंगे और यहाँ से हम 150K का ग्राउंड करेंगे। दो नंबर पिन, एक इस OPM की दो नंबर पिन इन्वर्टिंग इनपुट होती है, तो 8.2K की रेजिस्टेंस लगाएंगे, और अगर नहीं मिलती है तो हम 10K की रेजिस्टेंस लगा के इसको ग्राउंड करेंगे, और यहाँ से हम 15K की इसमें फीडबैक देंगे। उसके बाद में ये सिग्नल यहाँ से 22K की रेजिस्टेंस लगा के दो एक प्रीसेट लगाएंगे 47K का, ये आप देख रहे हैं, और यहाँ से एक 47N यानी कि 0.047 माइक्रोफेरड को ग्राउंड करेंगे यहाँ से, फिर एक दूसरा प्रीसेट लगाएंगे 47K का। उसके बाद में 22K की एक रेजिस्टेंस लगा के पांच नंबर पिन यानी कि नॉन इन्वर्टिंग पिन है, यहाँ से सिग्नल इसमें इनपुट होगा पांच नंबर पिन में। छः नंबर पिन डायरेक्ट आप देख रहे होंगे, सात नंबर पिन से मिली हुई है, ये सात नंबर पिन है, सात नंबर पिन इसकी आउट होती है, तो ये एक तरह की बफर स्टेज है। और यहाँ से 47N नैनो यानी कि 0.047 का एक PF है, उससे हम ग्राउंड करेंगे, और सात नंबर पिन से हमें आउट मिलती है जो कि 22K की एक रेजिस्टेंस लगा के और एक 22 माइक्रोफेरड जिस बोर्ड का एक कैपेसिटर लगा के यहाँ से फाइनल आउटपुट ले लेंगे। पहले ही मैंने बताया हुआ है कि इसकी फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स 50 हर्ट्ज से और 150 हर्ट्ज तक हम इस यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसमें आईसी में आठ नंबर पिन पॉजिटिव होती है, 12 वोल्ट पॉजिटिव देंगे, चार नंबर पिन नेगेटिव होती है, -12 यानी कि इसमें डॉल सप्लाई का यूज़ हो रहा है, वो आप देख रहे होंगे, ये ग्राउंड है सारे, तो डॉल सप्लाई का यूज़ करेंगे। डॉल सप्लाई फ्रेंड्स अगर रेगुलेटेड डॉल सप्लाई का यूज़ करेंगे तो इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आएंगे, वो 78 12 और 78 12 का एक दो आईसी लगा के हम रेगुलेट पावर सप्लाई का इसमें यूज़ कर सकते हैं, और नहीं है तो आप बिना रेगुलेट पावर सप्लाई का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी हाई फाई सर्किट है, तो फ्रेंड्स इसको बनाइए, और काफ़ी इजी सर्किट है, कोई ज़्यादा तामझाम इसमें नहीं है, इसको आप मल्टीपर्पज़ PCB पे बना सकते हैं और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट हैं। तो फ्रेंड्स इस सर्किट को आप बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए ये सर्किट आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।